प्रभु ने सहज ही विश्वास में लिया भाव को भरत कथा का प्रतिम विस्तार है। भरत जी भगवान की शरणागति पाए, पांच बैठक चित्रकूट में हुई है और परमात्मा ने केवल यही कहा, बाटी विपति सब ही मोहि भाई तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिन आई। जनकराज महाराज भी सुनैना माँ समाज के साथ आए हैं, मधुर संवाद भया है। भरत भैया ने जब प्रभु ने बात रखी बांटी विपत्ति तो भरत जी बेहवल हो गए। सरकार की आज्ञा मिली 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल आप श्री अवध में रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान ने उठाया, लाड़ लड़ाया, आशीष दिया है। 5 दिन में भरत जी आज्ञा लेकर चित्रकूट दर्शन किए। जो अभिषेक की सामग्री लाए थे प्रभु आज्ञा से, अत्रि महाराज की अनुमति से एक दिव्य कूप में संरक्षित कराया है, उसका नाम है भरत कूप। आप जाएं दर्शन करें, भरत कूप के बाद ही चित्रकूट के लिए मार्ग आगे मुड़ता है करवीर मोड़ से। 5 दिन दर्शनोपरांत ब्रह्म वेला में सब लोग जुटे। अब विदा का अवसर बड़ा टेढ़ा होता है साहब, कौन कहे कि हम जाएं, कौन कहे कि अब जाइए। धर्म के सार तत्व, भरत भैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हम श्री अवध जाएं। भगवान ने भरत जी को मुखिया के संस्कार, राजा का भाव, मनोरथ कैसे कैसे रहना चाहिए ये सब उपदेशित किया। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए, जैसे मुख हड़ताल नहीं करता, मुख रुष्ट नहीं होता, मुख किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं करता, मुख व्यवहार निरपेक्ष रखता है, मुख को स्वाद भी नहीं होता, मुख को शिकायत भी नहीं होती। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित मुखिया। राजा मनोरथ छिपा कर रखे, पूर्ण हो तो प्रकट करे, कार्य ही बता देते हैं क्या भया है। परमात्मा का आशीष और अभिषेक भरत जी को प्राप्त हो रहा है, परंतु भरत जी के मन में तोष नहीं, तोष माने शांति नहीं। भरत भैया भगवान के सिर चरणों की ओर देख रहे हैं, मेरे सरकार समझ गए। और प्रभु ने प्रभु करी कृपा पावले दे सागर
को ऐसा लगा मानो श्री सीताराम जी हमारे संग श्री अवध जा रहे हैं। प्रणाम किए चरणों में, प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, नेत्र झरझरा उठे। ऋषि मुनियों सबको छोड़कर देवराज इंद्र की माया से समाज को व्याप्त हुई। कभी तो थोड़ी देर में वन अच्छा लगता है, कभी घर की स्मृति आ जाती है। भगवान देखकर देवराज का व्यवहार हंसे, और वैसे भी जीव के चित्त में थोड़ा वो चाटन तो होना ही चाहिए। जीव एक स्थान पर बहुत दिन रह नहीं पाता है, अरे एक स्थान पर लोग बैठ नहीं पाते हैं, वो घंटा दो घंटा चार घंटा पांच घंटा बैठाई दो तो आदमी अगले दिन से दिखाई नहीं पड़ेगा। महाराज बैठाते बहुत हैं, जीव चलता रहता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कई लोग सोते सोते चलते हैं, सोते सोते दुकान पर सामान बेचते रहते हैं। एक बड़ी पुरानी कथा है, एक सेठ जी कपड़े का दुकान करते थे, तो रात में सो रहे थे, सपने में आ गया कि दुकान पर कोई ग्राहक आ गया, 4 मीटर कपड़ा मांग रहा है। तो जो बूढ़े थे चादर भागलपुरी वही फाड़ दिए, ले हो। पत्नी बगल में थी, उसने कहा अरे क्या ले हो, इकाय फाड़ दिए चादर। अरे बोले 4 मीटर तो चाहिए। पत्नी बोली देवता कम से कम सोते तो कपड़ा न बेचो, जहां रहा जाए जब वही रहेंगे तो ये विकार नहीं सताएंगे। लेकिन मनुष्य अरे साहब जाते, आदमी की इतनी विचित्र स्थिति है, वो जहां रहता वहां रहते ही नहीं। गाड़ी चला रहा है, स्कूटर मोटरसाइकिल, मुड़ना है दाएं हाथ दिया बाएं, दूसरा पीछे से आके ठक कर गया। कृपा करके जहां कथा में भी जितनी देर रहिए कथा में रहिए। मैं तो आग्रही हूं 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट जाइए उसके बाद, लेकिन 50 में क्या सुने हैं इसका चिंतन तो करिए, उतना ही कल्याण कर देगा। एक घड़ी यादी में बुनियाद तुलसी संगत साध की, हरे को जितनी देर आप रहिए उतनी देर जमे रहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।